हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आइयो अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम आपके दोस्त नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। अभी भाई सुबह सुबह जा रहा हूँ मैं बोरिंग वाले के पास, जो अपनी महिंद्रा गाड़ी का इंजन खराब हुआ है ना, उसका सामान देने के लिए। उसका सामान कल शाम को सारा ही सामान मैंने महिंद्रा से सारा ही, मतलब जो जो उन्होंने बोला था सारा महिंद्रा में लिखवा के शाम के टाइम सारा ही सामान उधर से मैंने ले लिया था। इंजन का जो ऑफिस पे देना था वो ऑफिस पे भी दे दिया, और जो बोरिंग वाले को देना था वो मैं लेके जा रहा हूँ। अभी बस मैं बोरिंग वाले के पास पहुंच के उसको सामान दे के, क्योंकि वो गाड़ी अपनी इतनी अर्जेंट है, अपने को जल्दी से जल्दी उसका इंजन बना के उस गाड़ी को निकालना है जल्दी से जल्दी। तो अभी सीधा पहुंचते हैं पहले बोरिंग वाले के पास। टोटल जितना सामान है ना सारा लिया महिंद्रा से, एक भी सामान नहीं लिया बाहर से। जितना तुमने बोरिंग वाले से लिखवाया था अलग अलग लिखवाया, वो अलग अलग दे दिया। खाली दो वाल कम है, वो उन्होंने बंदा इधर आएगा देने के लिए तुम्हें दो वाल। बाकी तुम सारा सामान चेक कर लो, कुछ कम बढ़ती हो तो मैं उसको फ़ोन करके बोल दूंगा, वो ले आएगा। ठीक है, तो अभी सामान तो वैसे पूरा कंप्लीट है, उसका सामान भी सारा दे दिया। तो इसमें डाल तो अपन लोग सारा ही रहे, तो कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म है उसका। नहीं, केम शाफ्ट अगर नहीं चलने वाली, अगर घिस गई है तो वो देख लो, बाद में ऐसा ना हो कि इंजन खोलना पड़े दोबारा फिर केम शाफ्ट। हाँ, कैम शाफ्ट की वजह से ना डीजल का बड़ा प्रॉब्लम आता है अपना महिंद्रा में। दो ये देखो, दिख रही है? हल्की सी। ये और बाकी नहीं है, दूसरी सही, बाकी सब बराबर है। हाँ, ये थोड़ी घिस गई है, और ये दो में इसकी बॉटल है भी मार खा गई होंगी सर। तो बॉटल होती है ना, बॉटल है, पेपर बॉटल ऐसी होनी चाहिए, बट ये घिस गई यार। ये घिस गई है, ये दो घिस गई है, दो ही घिसी हैं हल्की हल्की। तो इसको क्या करना है? ये तुमको दिखाने रखे कि इतना है चलाना है तो चल, तो बाकी सब ये राउंड नहीं हुई है, ये मार खा गई है। तो ये चलेगी ना? चला हो ना, भी चलेगी, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। इसे इतनी राउंड नहीं हुई है। हाँ, ये जम्स आ गए, देखो जम्स आ गए, तो कोई बात नहीं, चलेगी ना, मतलब कुल मिला के बात ये। हाँ, नहीं, तो चल जाएगी तो फिर ठीक है। टैपेट बॉटल ना, हाँ, वो खराब है, खराब है, तो वो नवी आ जाएगी तो टेंशन। तो ठीक है फिर, उसमें क्या है, वो फट गई होंगे तो घिस जाते हैं, उसमें आउटसाइड से घिस। नहीं, क्या होता है ना, अभी चलो दो घिसा है तो वो समझ में आ गया, दो से ज्यादा घिस जाती है ना, जैसे तीन चार, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, डीजल की बड़ी प्रॉब्लम है। महिंद्रा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सारी केम शाफ्ट की आती है डीजल में, और इसको फिर दोबारा खोलो, फिर दोबारा चेंज कराओ, बहुत मगजमारी होती है। खोलना पड़ता है सर, आगे से खोल के निकालो, फिर डालो टैपिट कवर, सब खोलना पड़ता है सामने से, उसकी वजह से। नहीं, अभी इतनी वो मेरे को मंसूब भाई ने भी वही बोला, अगर कैम शाफ्ट में एक दो है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उससे ज्यादा है तो चेंज कर देना। वो तो मैं खुद ही तुमसे मंगवा लेता। हाँ, तो कोई नहीं, अभी इसका कनेक्टिंग एक ही खराब था, ये पिस्टन अपने, ये पिस्टन अपने, ये पिस्टन तुम्हारा, ये सब गाले बड़े हो गए बहुत ज्यादा। तो ये क्या है, एक तो घिस के चला था 6 नंबर का। हाँ, तो पिस्टन वो तो कट गया यार, वो क्या कट गया, तो बहुत ही कट गया, तो इसके लिए तो अपने ने चेंज कर दिया। अच्छा। हाँ, ये डीजल की दिक्कत आए, तो हेड के वाल तो कितने कटे हुए, अरे आपके अंदर बैठ गए थे पूरे, तो पूरे अंदर चले था बराबर डीजल, वो तो बोलता कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी। अरे वो बोल लिया था कि चिंगारियां निकाल लिया, इनको बोला तो भी 13 मरवाया कौन। अरे नहीं, चिंगारी कहाँ से निकाली, चिंगारी निकाल के, चिंगारी निकाली होती तो पता ना होता, ये तो उसका पता ही कुछ नहीं था ड्राइवर को, ये तो जाके क्या हुआ, गाड़ी बंदी पड़ गई ना गैरेज पे, होटल पे गाड़ी लगी टायर पंचर के लिए। अच्छा। गाड़ी का मारा सलब, गाड़ी स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गई, इंजन लॉक हो गया, ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो गई, तो रेस देने भागा था पर गाड़ी बंद हो गई। बंद हो गई, बंद होने के बाद फिर वो इसने खुलवाया, बोला स्टार्टर जाम हो गया, स्टार्टर जाम हो गया इसका, गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहा, इंजन ही घूम रहा है। मैं स्टार्टर कैसे जाम हो गया, बोला अचानक, मैं नहीं जाम हो गया, मैं ठीक, स्टार्टर खोला, वो स्टार्टर वाला बोला साहब इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं बोला नहीं ये फंस गया, ऐसा हो गया, फिर मैं बंदा भेजा एक उधर लोकल, उसने देखा जाके, उसने देखा ना, मतलब उसने क्या पहले चेक किया, जैसे घुमा के देखा, उसने बोला साहब आपका इंजन जाम है। तो मैं जाम है, तो फिर वो बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, खोलना पड़ेगा इसको, तो मैं तू रहने दे। फिर मैंने अपना काम होता है दुलिया में, दुलिया से एक आदमी है महिंद्रा में काम करता था, बुजुर्ग है बहुत, मुल्ला ही है,
उसने स्पेशल बंदा भेजा, वो गाड़ी पे गया, उसने बोला आपका गाड़ी का पिस्टन पकड़ लिया है। तो मैं बोला अब मैं वहाँ बोला इंजन खोलना पड़ेगा, मैं इंजन वहाँ पे तो रहने दो, गाड़ी ऑफिस इधर खाली आ ही रही है तो इधर मंगवा लेते हैं आप कुछ कर दो। तो बोला मैं एक पिस्टन निकाल देता हूँ। तो उसने मैंने बोला पहले ड्राइवर से पूछो कोई दिक्कत थी पहले कोई, उसको तो उसको ये भी नहीं चिंगाड़ी छोड़ो उसको नली का नहीं पता, पूरा दिन पुकी मारवाड़ी ड्राइवर है वो, पूरा दिन पुकी अभी भी जा अभी भी गाड़ी पे। मैं उसको बोला मैं भाई तू गाड़ी पे है, इसके टायर वायर ढीले कर, आगे की हबूब चेक करा लेते, काम करवा ले सारा, चार पांच काट मार गए मेरे बस का नहीं। उसको क्या चिंगाड़ी का कहां से पता रहेगा, अगर चिंगाड़ी निकली होती गाड़ी की और ये बताता तो ऑफिस में किसी ना किसी को तो बताया होगा ना, बंदा गया था उसको बोल जाता, किसी ना किसी को तो बताया होगा, सेठ से भी पूछा, सेठ बोला मेरे को भी नहीं बोला, जहां गाड़ी चलती है उस महके को भी नहीं बोला। तो जब किसी को बोला ही नहीं तो फिर चिंगाड़ी का पता किसको लगेगा। ये नंबर में क्या है कि रिंग भी टूट गई। हाँ वो रिंग टूटी है 6 नंबर की, देखी है मैंने, ये तो जाम हो गया। अगर ये रनिंग में होती ना गाड़ी, अगर ये रनिंग में होती तो ये तोड़ देता रोज, उसको पता ही नहीं लगता। क्रैंक में कुछ नहीं हुआ, क्रैंक बच गई, वो थोड़ा सा दाग पड़ा उसमें, दाग मैंने देखा, मैंने लगा 10 मिनट पर वो करा ना तो वो तो मटेरियल ही था, मटेरियल उखाड़ दिया, क्रैंक भी बैंड नहीं हुई, अपनी मेन चीज थी, मतलब वो झटका लगा ना तो बैंड नहीं हुई ना वो दिन, वो क्रैंक ओके। अगर ये गाड़ी रनिंग में होती हेड के वाल बहुत बैठ गए, वहाँ हेड के वाल घुस गए अंदर वो, इसीलिए तो बोले कि इसको बाहर निकला देते हैं। उसको मन बोले कि ये चेंज ही कर देने में फायदा है, तो अभी खर्चा कर रहे तो पूरा ही चेंज कर देंगे। नहीं फिर वो अपना इंजन फिर वो काम नहीं करे बराबर, क्या मतलब है, फायर तो उसके हेड के ऊपर ही होगा, हेड के अंदर वाल है ना ये कटा हुआ है, वाल हेड के वाल पूरे के पूरे बैठ गए, ऐसे होता है भाई नुकसान, देखो तो कट गए ना पूरे। मैंने जब ये हेड खोला था ना हाँ। पूरे ही अंदर घुसे हुए थे ये क्या। ये गाड़ी चलती भी तो घाट के ऊपर है ना हाँ। उधर की साइड चेन्नई कोचीन जाती है जब हेड नहीं बना, और ड्राइवर भी इस गाड़ी के ऊपर ऐसा ही वो ड्राइवर भी ऐसा है, उसको दिन दुनिया से कुछ नहीं लेना, खाली गाड़ी चलना चाहिए। अभी एक बात बताओ, पीछे का सबसे पीछे का जो एक्सल आता है अपना, जो फुग्गे वाला लिफ्ट एक्सल सबसे लास्ट में आता है इसका, वो खुल गया, बोल्ट टूट गए फुग्गे, एक बोल्ट के ऊपर जो फुग्गा होता है फुग्गे हाँ। के बीच में पाइप लपेट के वो एक्सल पीछे जाके निकल गया और वो पाइप के ऊपर खिंचता आ रहा था, और पीछे से दूसरा गाड़ी वाले ने जाके उसको हाथ दे के रुकवाया कि भाई देख, उसको पता ही नहीं लगा तो वो आदमी को चिंगाड़ी का पता लग जाएगा सलंसर में से, और जबकि सलंसर भी पीछे नहीं आता इसका, सलंसर आगे आता है, आगे है इसका सलंसर, और आगे में से आगे वाले टायर में से उसने झांक के देख लिया होगा चंगाड़ी आ रही है, ढक्कन है। मैं सेठ को बोला मैं ऐसे आदमी से खड़ी अच्छी हाँ। तो वो जैसी उतारने की बात करो तो रोने लग जाता है, मेरी बीवी मेरे बच्चे। तो अभी सेठ आधा पैसा उसके नाम पे डाला, अभी ये इंजन का उसका एक्सल का जितना नुकसान हुआ ऑफिस में थोड़ा किसी को बताया, कितना पैसा अपनी जेब से डाल के काम करवाया वहां पे, वो अपना 35,000 रुपए दिया चेन्नई में, ऑफिस में किसी को नहीं बताया क्योंकि पता था, ऑफिस में पता लगा ये गाड़ी से भी उतारेंगे और पैसा भी काट लेंगे मेरा, कुछ बचना ही नहीं। और उसको उस गाड़ी पे फायदा ये कि वो गाड़ी एक कंपनी से एक कंपनी चलती है, दहेज से चेन्नई, उसका घर पड़ता है रस्ते में, और उसको क्या है कि जाने के लिए कंपनी वाले का फिक्स टाइम है, उतने टाइम में पहुंचनी चाहिए, तो उसको एक दो दो दिन तीन दिन घर पे मिलता है, घर का घर, खेती का खेती भी करता है, वहां से वहां भी जाता है, उधर से खाली करके घर गाड़ी खड़ी करके जाके घर का काम खत्म करके कंपनी वाला फोन करता है गाड़ी लेके कल पहुंचना है, तो वो पहुंच जाता है। तो हमारा उसमें क्या डीजल खर्चे का ही लेन देन होता है, अब फिक्स पगार है 30,000 तो कोई दिक्कत ही नहीं, भत्ता हमने देना नहीं, ये इस वजह से वो 35,000 जेब से लगा के वो गाड़ी लेके आया, चिंगाड़ी तो दूर की बात है। सामान पूरा है भाई, नहीं नहीं मेन बैरिंग एक के अंदर ही होगी, नहीं नहीं ये कितनी है, मेन बैरिंग भी उसने डाली थी उसी में ही, नहीं एक उसमें डाली थी, क्या नाम है यार मेन बैरिंग किसमें डालते हैं ये लोग, देखो वो पिस्टन है,
आई तो पिस्टन हो गए, छह पिस्टन। एक कनेक्टिंग बुश हो गए, अब ना मेन बैरिंग ठीक है। एक में एडलर होएगा, एडलर कैंबूस, इसमें कैंबूस है जो ही ना होगा। खोल खोल के चेक करें, एक के अंदर दो दो सामान होते हैं ना, ये बराबर ठीक है। मेन बैरिंग का तो बॉक्स होगा ना भाई जान? हाँ वही बॉक्स होना चाहिए। एक मिनट, खाली मेन बैरिंग रह गए, वो मैं लेके आता हूँ। वॉशर वो तो उसी के अंदर ही है, वो मैं लेके आता हूँ, पर इसका काम जल्दी खींच दो। अपने को आज, अपने को आज ये काम सारा करके देना है, कुछ भी हो। कल अपने को फिटिंग विटिंग करके गाड़ी निकालनी है, सोमवार को दोपहर के बाद गाड़ी मांगी कंपनी वाले ने। हाँ तो अभी खींच दो इसको फटाफट, जितना हो जाए ना ब्लॉक का काम हो जाए, जितना काम हो जाए मेरे को बताना, मैं सामान ले जाता रहूँगा। फिटिंग विटिंग करता रहेगा वो अपना, सब चेक होता रहेगा, फिटिंग होती रहेगी ठीक है। चलो ठीक है ओ भाई, मेन सेट काम खींचनी जल्दी, थोड़ा करवाना जल्दी। हाँ वो बहुत अर्जेंट है गाड़ी, 7 दिन हो गए, 8 दिन खड़ी खड़ी को। तुम्हारे लिए मैंने बोरिंग सेठ बोला किसी और से करा ले, मैं किसी और से करवाना ही नहीं है, आने दो, 2-4 दिन खड़ी सही। दिवाली वाले से, दिवाली से एक दिन पहले ऐसा हुआ है, और दिवाली वाले दिन से ही गाड़ी खड़ी है, ये 30 तारीख से खड़ी है। 6 तारीख को आप आए, 7 से काम चालू हुआ। मार्केट भी बंद, मार्केट भी अभी पहले जैसी मार्केट नहीं रही, पहले तो मार्केट बंद रहती थी, अभी मार्केट तो लोग इतने भूखे हो गए। पहले 1918 में मार्केट बंद रहती थी, हाँ। अभी तो ऐसे छोटे छोटे कासगार बंद ही नहीं करते। दिवाली खत्म, दिवाली वाले दिन भी चालू, हाँ। उससे अगले दिन भी चालू, दिवाली तक तो हमारा चालू था, दिवाली के दिन पूजा करके बंद करते। पर वो तो ठीक है, दिवाली वाले दिन बंद करते हैं, पर फिर लापाचम तक रखते थे बंद पहले, हाँ। अभी तो दिवाली वाले दिन पूजा की, अगले दिन पटाखे चलाए, उससे अगले दिन फिर चालू। पैसों की भूख नहीं खत्म होती। चल भाई, चलो सेठ ये कर देना जरा, हाँ बस कर दो फटाफट, मैं लेके आता हूँ वो सामान भी। माजिद को बुला या जिसको भी बुला, इसका क्या है, अपने को मुर्गे का काम तो अपने को करना पड़ेगा, देख इसका पूरा ठीक है। बैलेंस राड भी खोल दे, सारी की सारी बैलेंस राड भी खोल लो, सारे बैलेंस राड के बुश भी कटे, मुर्गे टोटल जो काटना है डिस्टन विस्टन काट के रखो कंप्लीट। मैं जाके जैक लेके आता हूँ, अपने को एक गाड़ी कंप्लीट करके निकालनी है कल तक, मेरी बात सुन, कल तक अपने को कंप्लीट करनी है गाड़ी। तो मेरी बात सुन, अच्छा अच्छा वो नहीं काटा था ना, वो एगो कर दे, वो कर दे भाई, यहाँ से ही झाड़ दे। डिस्टेंस तो अपने को निकालना पड़ेगा ना, बाकी जितना हो जाए जल्दी काम हो जाए इसका फटाफट। अभी क्या है यार, अपने को इसकी जो गाड़ी का काम कराना है ना, ये अपने मुर्गे जो है ये खत्म हो गए, चारों खत्म हो गए ना, अगर इसके बुश भी खत्म हो गए, और अभी जब ये खुलेगा तब अपने को पता लगेगा पिन, पिन के ऊपर कितना, उसकी तो पिन मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा कटी हुई है, इसकी भी शायद कटी हुई है, अभी पता लगेगा जब एक बार ये खुल जाएगा सारा सिस्टम बाहर आएगा ना अपने मुर्गे तब। और ये अपने को काम कर देंगे तो कितने महीने चलता है, 2 साल तो चलेगा, दो तीन साल पहले काम हुआ था इसका। ड्राइवर के ऊपर है, ड्राइवर तो छोड़ दे, ड्राइवर के ऊपर नहीं रखने का, ड्राइवर तो बस ऐसी 4 साल भी जाएगा, ग्रीस होनी चाहिए टाइम पे, है नहीं ये भाई, ये इसमें खर्चा तो आता ही आता है, पर क्या है अभी पूरा खत्म हो गया है, रास्ते में तोड़ देगी तो अभी क्या है, इसको कंप्लीट करके ही भेजेंगे, तो मैं जाके जैक लेके आता हूँ। तो बोरिंग वाले के पास से सामान लेके निकल गया, अभी जा रहा हूँ सीधा ऑफिस पे, मनोज को फोन कर दिया है कि भाई आजा सामान उतार देते हैं, और वो सीधा मतलब अभी उसको सारे काम से हटा दिया, कोई काम उसको मैं सब काम बोल दिया भाई, कोई काम नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही काम करना है इसको असेंबल, क्योंकि अपने को ये गाड़ी इतनी अर्जेंट है ना, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है ये गाड़ी, तो अभी उसको सिर्फ इसी काम पे लगा के उसको असेंबल करवा देंगे, और बस कल किसी भी हालत में इसको फिट करना है गाड़ी को अपने को। क्या बहुत हंसता है जब वीडियो में, काका एकदम खुश हो जाता है, तुम्हारी स्माइल के ऊपर, पता है तुम्हारी स्माइल के ऊपर जवानी में लड़कियां फिदा होती होंगी। अरे इनकी नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये तो बे ओ लो ये तो दूसरी तरह,
बताओ ये गलत बात है इनकी। और ये भी बहुत मजा ले, कल तो तू कंगारू था, वाइट वाइट लगा के घूम रहा था, ये भी आशिकी कर रहा है पूरी भाई, बड़ी वाली। अभी भाई अपनी गाड़ी का इंजन बन गया, कंप्लीट हो गया, अभी इसको लेके चलते हैं। अभी इसको अपने वही वही कल लगा के खड़ा था ये, कल मैं इसको देखा, मैंने इनसे पूछा मैं ये बंदे ने लगा के क्यों रखा है, बोले वो संजू सैमसन बनेगा, साइमन बनेगा। कोई नहीं, शुरू हो जा फिर तो साइमन बन ही जाएगा। तो अभी भाई चलते हैं, अपना इंजन का सामान पूरा ले लिया, कैमशाफ्ट पिस्टन विस्टन सब पुराना सामान भी, अभी ये काम देना है अपने मिस्त्री को पूरा, इन्होंने बना मतलब इनका काम सारा खत्म हो गया, स्लू भी मार दी है, बोर भी, हेड भी कंप्लीट हो गया अपना पूरा, और जो बचा हुआ सामान है रिंग विंग सब इसमें डाल दिया है, पुराना सामान भी रख लिया। अभी इसको लेके चलते हैं और जाके अपने मिस्त्री को देते हैं, और वो अभी मतलब अभी जो काम बचा है वो मिस्त्री का बचा है, इन्होंने अपना काम ख़त्म कर दिया। अभी मनोज को फ़ोन कर दिया, ऑफिस आ रहा है, इसको उतार देते हैं और मनोज को दे देते हैं, शाम तक वो धो धा के क्या है ये सारा धोना पड़ेगा अपने को, इंजन क्या पूरा क्लीन करना, एकदम अच्छे से धो धा के सर्विस होके बढ़िया से साफ होके फिर करें। अपने को जल्दी बहुत थी, जल्दी की वजह से ये लोग अपने को धोखे नहीं दिए, अगर अपने को जल्दी ना होती ना तो यहाँ से क्या पूरा क्लीन करके साफ करके फिर मिलता, बट अपने को जल्दी इतनी है, इसको क्या फटा से जल्दी इसको असेंबल करके फिट करके गाड़ी को निकालना है, क्योंकि कंपनी वाले का इतना फोन आ रहा है बहुत ज्यादा। चलो सेठ, घूम ही तो रहा है ना, आयल भी नहीं आया, कार्बन आयल तो आया ही नहीं इसमें, कार्बन भी नहीं, आयल भी नहीं, थोड़ा बहुत है तो चलो खोलेंगे तो सर्विस वर्विस किट डाल देंगे हो जाएगा, नया डालना हो ना, नया तो बहुत महंगा है, नया नहीं डालने का, नया तो बहुत महंगा, नया डालना होता तो फिर तो बात ही खत्म हो जाए, फिर नया डालने के लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम भी तो होनी चाहिए इसमें, नहीं वो ही ना। तो एक काम कर, इसको स्किट विट डाल के सर्विसेज कर दे, हाँ। और वहाँ पे मैं उसको बोल देता हूँ एक बार इसका वो कर लेगा चेक, कंट्रोलर तो ज्यादातर अभी जाएगा देने तो एक बार उससे दिखा ली ना कंट्रोलर, बाकी उसने क्या बाकी फिल्टर विल्टर सब उसने चेंज किया ही है, वो जो कंट्रोलर होता है ना कभी कभी जाम होगा ना वो तो गैस ही नहीं निकलने देगा। ओके इंजन कंट्रोलर ना इसका, ठीक हाँ। है तो इसको कर दे फटाफट, बाकी उधर जाएगा तो एक बार उसको दिखा दी, हाँ, कि बोले इसका कंट्रोलर भाई चेक कर लो, हाँ। और जब गाड़ी स्टार्ट करके ट्रायल मारेगा ना तो अगर दिक्कत आएगी तो तेरे को यहीं ब्रिज के पास खड़ा करके फोन कर। लो भाई मिलो हमारे भाई से, जेविन भाई से, बड़े दिनों बाद, हैप्पी न्यू ईयर, कैसे घर पे सब ठीक? ये गाड़ी मेरे को लगता है तुम्हारे से ज्यादा प्यार करती है अपनी, हर बार आती है बोलती है इनसे प्यार है। टर्बो ले गया चेक भी, टर्बो के अंदर दो चीज देखना है? इसमें ना बार बार फोर सिलेंडर में जाने का प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको जो कोर डाले ना वो एक बार पूछना कि कोर जो डाले ना वो सही, वरना वापस फेल हो जाते। दसवीं गाड़ी में सेम प्रॉब्लम है, चौथा टर्बो डाल रहा हूँ, एक बार टर्बो जाता है पूरा नया टर्बो ही डलवाना पड़ता है। टर्बो तो डालना पड़ता है 100%, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। याद होगा 40-18 में अपन लोगों ने टर्बो डाला था, रास्ते में मैंने आपको फोन किया था, जब आपने मेरे को बोला साबर टर्बो डालना पड़ेगा वो गाड़ी नहीं चलेगी, याद है? और सेम मैंने यही बात इस गाड़ी में भी बोली, मैं सेठ को पूछा, मैं सेठ टर्बो में क्या दिक्कत है, बोले टर्बो बोला फेल है, तो मैं टर्बो चेंज करना पड़ेगा अपने को, रिप्लेस करना पड़ेगा उसको, कराएगा ना फिर भी कहीं दिनों के बाद वापस प्रॉब्लम आने की संभावना है। टर्बो मतलब चार सिलेंडर इंजन के में प्रॉब्लम है, फोर सिलेंडर में, पर ये प्रॉब्लम क्यों आती है इसमें? और एक ही पकड़ में भी थोड़ा नहीं आया है ये, किसी के पकड़ में नहीं आया, हाँ, अभी तक नहीं आया ये, मतलब सबसे बड़ी बात पता क्या है, अभी 40 बार होता है ना, मेरी बात सुन, प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि इसमें फिक्स ही है कि नया डालना पड़ेगा, एक बार टर्बो खुल गया तुम्हारा तो पूरा रिप्लेस, पूरा रिप्लेस करो नहीं तो वो चलेगा नहीं कोर डाल के भी। अभी मैंने वो टर्बो दिखाया बबलू के पास, भेजा टर्बो साईनाथ में, वहाँ से कल ही भेजा, सामान ही नहीं था उसके पास, नहीं नहीं अपना दूसरे के पास गया है, पर टर्बो के अंदर ना तो पंखड़ी में प्ले ना कुछ प्ले व्ले कुछ नहीं है, कार्बन भी नहीं, आयल भी नहीं उठाया, तो उसके अंदर दिक्कत आती है ऐसे, मतलब अंदर से ही खराब हो जाता है वो, प्ले नहीं होती है, पर क्या होता है कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी पिछली बार इसको बोला था अपने, क्या बोलते हैं, बबलू भाई को, बबलू फादर एक्सपर्ट हो गए, तो अभी उसके साथ बात हुई थी तो दसमिस का यहाँ पे ही गया, अच्छा, तीन बार कोर डाला, अच्छा, आज आज के गाड़ी के लिए, हाँ। तो शुरू में वही टेंशन में था, मैंने तेरे को बोला तो मैं उसके पास कोर नहीं होगी तो बोला कि मेरा बंदा है तो मैंने कहा दूसरी जगह पे होगा,
नहीं, मेरा मेरा पता क्या इरादा है अभी, ये आपने अभी बोला ना, तो मैं अभी सेठ को फोन करके मेरा इरादा यही है कि नया डाल देना, क्योंकि अपने को ये चीज पता है। उस टाइम पे भी आपने बोला था 40-18 में चेंज कर ही दो एक बार, है ना? वो तो बात सही, एक बार वो डलवा के देख, इसमें नहीं फर्क पड़े ना तब चेंज करवाना। ये आता है महंगा, 38,000 का आ रहा है, पता है वो तो। तो डिस्काउंट डाल के दोगे ना अपने को? तो वो अपने को कोई, चल डिस्काउंट का साइड में मैटर है, पर अगर एक बार सक्सेसफुल हो गया, कोर उसने डाल दिया, हो गया तो अपना पैसा बचेगा ना उतना, पर होता नहीं ना। तो मेरे को पहले भी तुमने चार बार मेरे को लटकाया था, पता है 40-18 में लास्ट में चेंज करना पड़ा उसका, 40-18 में चेंज किया था लास्ट में, दो बार कोड डली उसकी, तीसरी बार चेंज किया आप लोगों ने टर्बो, नया ही डालना पड़ेगा। एक बार सेठ को पूछता हूँ, पर ये चार सिलेंडर इंजन में ये प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं ना बिल्कुल भी, इसीलिए अभी चार सिलेंडर अपने पास जो पुरानी है उनको चलाओ 10 साल। गांधीधाम वाली जीजे 12 याद है, इसके अंदर आप लोगों ने सलंसर में पंप डाला है, पिछली बार इसका सलंसर खोल के साफ किया था। इसी वैसे एक बात बताऊं, गांधीधाम की इसी एक गाड़ी में दिक्कत आ रही है, दूसरी गाड़ी में दिक्कत नहीं आई, बाकी के तीन गाड़ी मस्त चल रही है। अभी भाई जो प्रॉब्लम है ना, ये गाड़ी के अंदर है टर्बो की प्रॉब्लम। टर्बो के अंदर क्या हो गया है, टर्बो इस गाड़ी का प्रेशर नहीं दे रहा है, फेल हो गया मतलब टर्बो। तो टर्बो फेल होने के कारण ये गाड़ी खिंचाई नहीं कर रही, क्योंकि ये गाड़ी जो है ना ये चार सिलेंडर इंजन है। अभी जो जेमिन भाई थे वो यहाँ के वर्कशॉप के मैनेजर है, मेन मैनेजर भाई, वो बंदा जेमिन भाई ऐसा आदमी है, पढ़ा लिखा भी बहुत है और प्रैक्टिकली इतनी नॉलेज है ना, इतनी नॉलेज है जिसका कोई हिसाब नहीं। पहले वो टाटा में करते थे काम, टाटा उठा लो भाई ऊपर से, चलो भाई ऊपर से निकल जाते हैं। पहले वो काम करते थे टाटा में, टाटा में उन्होंने नौकरी छोड़ दी, अभी उसको उनको हो गया लेलैंड में बहुत टाइम, और लेलैंड में मतलब उन्होंने सामने से ही बोला, साबा भाई ये भाई पास नहीं होता, टर्बो फेल ही हो जाता है ये, मतलब ये जो टर्बो है ना ये 90% मतलब पास नहीं होता, अपने को नया डालना ही पड़ता है, ये प्रॉब्लम लेलैंड में है ही है, समझ रहे, लेलैंड में प्रॉब्लम ये है ही है। ये प्रॉब्लम कभी लेलैंड को भी नहीं पता भाई क्यों सॉल्व नहीं हो रही, इसीलिए उन्होंने यही बात बोली कि इसीलिए लेलैंड ने बंद कर दिया अपना, ये मतलब देना कर दिया बंद, चार सिलेंडर इंजन अभी लेलैंड ने पोस्टपोन कर दिया, बंद कर दिया चार सिलेंडर इंजन का, ऐसा कर दिया उन्होंने कि कुछ दिन के लिए होल्ड कर दिया कुछ टाइम के लिए, अभी मतलब ये तो ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड मतलब ये जेमिन भाई ने बोला कि भाई उस इंजन को अभी रोक दिया है, क्योंकि उसके इंजन के अंदर क्या टर्बो की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है और इंजन लॉक होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मतलब कैसे कि गाड़ी के अंदर कोई गियर झटके से डल गया तो इंजन अगर एकदम लॉक हो गया तो वो इंजन लॉक हो जाता है, उसको बहुत मुश्किल से बाद में पिस्टन विस्टन खोल के उसको निकाला, ऐसा सेम प्रॉब्लम हमारी एक गाड़ी में हो चुका है, 40-18 एक गाड़ी है हमारे पास, सेम चार सिलेंडर इंजन, वो सबसे पहला इंजन है चार सिलेंडर अपने पास, सबसे पहली गाड़ी लेलैंड की, उसका इंजन लॉक हो गया था, उसको खींच के टोचन करके कंपनी में ला के छोड़ा, तब जाके इन्होंने फिर उसको खोल खोल के किया और सही हो गई गाड़ी। तो ये भाई चार सिलेंडर इंजन में प्रॉब्लम, जिसके पास चार सिलेंडर इंजन है वो ध्यान रखना। एक चीज और नॉलेज में उन्होंने सिखाई कि लेलैंड का यूरिया बंद करने से गाड़ी की खिंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ सकता, गाड़ी के डीजल में कोई फर्क नहीं पड़ सकता, गाड़ी का मतलब एवरेज भी अच्छा रहेगा अगर हम इसका यूरिया बंद कर दे तो। बाकी ये मैं आपको बताऊंगा कैसे बंद करना है, इतनी चीज मतलब मैंने सीक्रेट में रखी है। तो अभी भाई चलते हैं खाना खाने, सबसे पहले खाना खा के आते हैं, और एक गाड़ी ड्राइवर भी अपने को ये फोन कर रहा है काफी टाइम से, इसको भी देख लेते हैं, पहले चलते हैं ऑफिस पे, पहले इसको देख लेते हैं भाई क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गई। सर्विस के लिए भेजा था, कमानी का काम इसका सारा करवा दिया, पाटे वाटे का काम भी पूरा हो गया, जो और भी इसने काम छोटा मोटा बोला वो भी करवा दिया। अभी ये बोला गाड़ी गंदी पड़ी है धुलवा ली जाए, तो बोला बलबीर से भाई जाके धुलवा ले, तो अभी पूछते हैं क्या दिक्कत है, फोन कर रहा है ये बंदा। लाइट तो क्या ओ, इतनी अपने को लाइट नहीं चाहिए, हम छोटे मोटे ब्लॉगर हैं, ज्यादा बड़े ब्लॉगर नहीं ना, छोटी मोटी वीडियो बनाते हैं हम, आप भी छोटे मोटे आदमी, हम भी छोटे मोटे आदमी, और मैं तो आपको सामान दिखाना चाहता था स्पेशल, बाकी मैं सुबह बनाएंगे डिटेल में, हम सुबह बनाएंगे। बाकी ये देखो, ये क्लच प्लेट, ये प्रेशर प्लेट, ये फ्राई व्हील, बैरिंग भी दे दिया, फ्राई व्हील बैरिंग भी दे दिया, दोनों दे दिया। ओके ओरिजिनल छे ना, ये उठा ऊपर वाला सामान उधर साइड में रखी,
साइड में रखी भाई, पूरी मनसुख भाई चेकिंग कर रहे हैं, तो करना पड़ेगा ना। है 12N। लो भाई अपनी गाड़ी कंप्लीट होके आ गई है। ये मतलब जो एक्सीडेंट हुई थी ना गाड़ी बॉम्बे में, उस गाड़ी का मतलब पूरा कंप्लीट एकदम बराबर काम हो गया है। अभी इसको भेजना है सुबह कलर पे, तो अपना पीटीए वाला ड्राइवर सुबह खाली है, तो ये लेके जाएगा गाड़ी को और कलर करवा के ले आएगा। अपने को क्या है, पहले तो इसको देखेंगे, वो मतलब कलर वाला बंदा देख लेगा कि अगर बोलेगा टचिंग में भाई पूरा कवर हो जाएगा तो ठीक है, अगर टचिंग में कवर नहीं होता फिर ये कैबिन पूरा ही करवा देंगे कलर, क्योंकि टंकी अपनी एकदम नई है, कैबिन ही थोड़ा मतलब आगे से चलो एक्सीडेंट हो गया है तो उस वजह से पूरा ही अपने को हिस्सा, आगे का हिस्सा हमने क्या पूरा ही नया डाला है। इतना हिस्सा है ना जो ये पूरा पतरा आगे का नया, बम्फर वम्फर सब। तो अभी छत भी सड़ गई थी, मेन बात क्या है, ये कैबिन पूरा का पूरा सड़ गया था अंदर से, पूरा रस्ट खा गया था सारा कैबिन, पूरा ही रस्ट, कांच वाँच सब। तो अभी काम तो पूरा ही करवा दिया है, सुबह उसको दिखाते हैं पहले, फिर उसी हिसाब से देखेंगे कि कितना कलर करवाना है। मेरे हिसाब से टचिंग करवा देंगे, बट अगर गाड़ी ज़्यादा टाइम चलानी है, जैसे कि 10 साल पूरे हो जाएंगे 2025 में इसको, वो तो रिलायंस से आ जाएगी बाहर, और लाइन से बाहर आने के बाद भी ये गाड़ी चलानी है तो फिर इसको मतलब सुबह सेठ से भी पूछ लेंगे, अगर वो बोलेंगे नहीं चलानी है तो फिर इसको क्या पूरी को ही करवा देगा कलर, पूरा कैबिन कलर करा देंगे, तो गाड़ी की एक शो बन जाएगी ना अच्छी, देखने में भी अच्छी लगेगी गाड़ी। लो भाई अपना ऑफिस का काम ख़त्म करके जा रहे हैं सीधा घर, सारा काम खत्म हो गया लगभग, इंजन का काम मनोज भाई कर रहे हैं, जितना होगा उतना कर लेंगे, बाकी काम वो छोड़ देंगे सुबह कर लेंगे, क्योंकि क्या है अभी क्या है, रात को सिर्फ साफ सफाई हो सकती है, असेंबल नहीं हो सकता, असेंबल करेंगे कल, कल सारा असेंबल असुम्बल करके चढ़ा देंगे और परसों को अपना गाड़ी मतलब रात को गाड़ी स्टार्ट कर देंगे, तो सुबह तक स्टार्ट रहेगी और छोटा मोटा काम कोई होगा तो वो कंप्लीट कर देंगे। तो चलो भाई कल मिलेंगे नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।